In this video, I am going to share with you all the Lifetime Worldwide box office collection of Bollywood film Dilwale. Dosto Dilwale, jo release hui thi 18 December 2015 ko, aur ye ek Bollywood romantic action drama film hai, jisko 5 mein se 2.5 star ki rating di gayi thi. Iske director hain Rohit Shetty, iske producer hain Shahrukh Khan ki wife गौरी खान और साथ ही रोहित शेट्टी. इसके राइटर है यूनुस सजावल और साथ ही साजिद और फरहाद की जोड़ी. अब बात कर लेते हैं कास्ट की. इसमें शाहरुख खान, काजोल, वरुण धवन, कृति सेनन, विनोद खन्ना, वरुण शर्मा, संजय मिश्रा, मुकेश तिवारी और साथ ही कबीर बेदी, ये सब इसमें लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे. बता दें कि फिल्म को इंडिया में 3100 यानी कि 3100 स्क्रीन्स में रिलीज किया गया था और ये शाहरुख खान की और काजोल की एक साथ 7th फिल्म है. इससे पहले जो बता दें इन दोनों ने साथ में पहली फिल्म में काम किया था वो आई थी 1993 में और तब से लेकर 2015 तक ये इस बीच में 7 फिल्मों में काम कर चुके हैं. ये फिल्म क्लैश हुई थी संजय लीला भंसाली की फिल्म जो है बाजीराव मस्तानी के साथ, जिसमें रणबीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण तीनों लीड रोल में नजर आए थे और दोनों ही फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा रिस्पांस दिया गया था. अब बात कर लेते हैं कलेक्शंस की. फिल्म का जो इंडिया का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था वो था 148 करोड़ 72 लाख रुपीज का. इंडिया का लाइफ टाइम जो ग्रॉस कलेक्शन था वो था 214 करोड़ 15 लाख का, 214 करोड़ 15 लाख रुपीज का. इंडिया से बाहर यानी ओवरसीज मार्केट में लगभग 194 करोड़ के आसपास की कलेक्शन की थी और सब कुछ इंक्लूड करके फिल्म का लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड जो टोटल ग्रॉस कलेक्शन था वो था 408 करोड़ 97 लाख रुपीज का. फिल्म का बजट था 110 करोड़ का और 110 करोड़ के बजट के हिसाब से फिल्म का जो इंडिया का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था और इंडिया से जो बाहर का कलेक्शन था अगर हम दोनों को इंक्लूड करके वर्डेड की बात करें तो फिल्म दिलवाले बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, यानी कि फिल्म की ऑफिशियल वर्डेड थी ब्लॉकबस्टर की. और इसी कलेक्शन के साथ अगर हम रैंकिंग की बात करें तो ये साल 2015 की बॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट में जो थी 3rd पोजीशन पर रही थी. नंबर 1 पर थी सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान और नंबर 2nd पर भी थी सलमान खान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो. अगर मैं इसकी इंडिया के कलेक्शन के पर्पस के हिसाब से रैंकिंग की बात करूं यानी हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्मों की लिस्ट के अकॉर्डिंग तो उस लिस्ट में ये 16वें नंबर पर रही थी यानी 16th पोजीशन पर और बॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट के हिसाब से ये थी 13th पोजीशन पर यानी कि 13वें नंबर पर. अब फिल्म की जो एल्बम थी उसके अंदर टोटल 7 गाने थे. कुछ गाने सुपरहिट साबित हुए थे. गानों को कंपोज किया था प्रीतम जी ने. गानों के जो लिरिक्स होते हैं वो लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य जी ने और फिल्म ने टोटल 2 अवार्ड्स जीते थे. तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही. मैं हूं जतिन आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉली व्यूज का होस्ट. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी बन जाइए मेरे दोस्त. अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद.